तो आज मेरे प्यारे चाहने वालों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त रमेश मोदे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओप्पो का सर्विस सेंटर के बारे में? कुछ है मालूम? तो कुछ हमारे सामने मेरे भाई बैठे हुए हैं और इनसे अभी सर से काम करवाए हैं, तो इनका हम फीडबैक लेंगे और इस सर्विस सेंटर के बारे में क्या सारी जानकारियां सब कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे। बस इस वीडियो में बने रहें और वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो क्या सर, कहाँ से आए आप लोग? नाम बताइए, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राकेश है। कुछ प्रॉब्लम था मोबाइल में। मोबाइल दिखाइए सर, मोबाइल में क्या प्रॉब्लम? ओप्पो A79 है। कुछ प्रॉब्लम था, यहाँ आए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, सर से दिखवाए और कुछ समस्या जो था मेरा समस्या सोल्व हो गया। और सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, फीडबैक क्या देना चाहते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करते हैं और काम करने में कोई मने के ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा कोई मने, अच्छा बिहेवियर है। कोई क्यों होता है कि जाइएगा तो आपको पहले ये नहीं है वे नहीं है, बहुत को हाँ बहुत, आज नहीं होगा, आज दूसरा काम है, तो आज हमको ससुराल जाना है, तो मिलना है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम हो गया। सबसे पहले काम को सर इम्पोर्टेंट देते हैं और हाँ। उसके बाद ही कस्टमर से कैसे होता है ना, हाँ डील कैसे करना है, कैसे बातचीत करना है, ये अच्छा से सर करते हैं और कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। तो सर क्या नाम हुआ है आपका? आप भी कहाँ से आए हैं? आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम था लगता है, क्या बहुत दिन से यहाँ पर बैठे? हाँ सर, हम बाईपास भुगड़ी टाप से आए हैं। हाँ, मेरा मोबाइल चार्जिंग प्रॉब्लम था और यहाँ आके समस्या को समाधान देखते के साथ में बता दें कि ये आपका प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट में मेरा समस्या को हल करके मेरे पास मोबाइल दे दिए। तो क्या कहना चाहेंगे ओप्पो सर्विस सेंटर गया के बारे में, कैसा काम है यहाँ का? ओप्पो ये बोले तो अदर से बहुत अच्छा है। हाँ। यहाँ का व्यवहार मतलब सर का भी अच्छा ही व्यवहार है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ओप्पो सर्विस सेंटर का मिस्टर ऋषभ कुमार है। तो सर ये बताइए कि आप कस्टमर से कैसे डील करते हैं? भाई यहाँ पे जितने भी काम करवा रहे हैं तो पहले आते हैं तो उनका पहले यहाँ पर वेलकम बात करते हैं, नमस्ते करते हैं, फिर उसके बाद बैठने के लिए बोलते हैं, फिर उनका समस्या की काफ़ी प्रॉब्लम में लेके आए हैं, उनका फिर बताते हैं मेरे अच्छी प्रॉब्लम, तो उनको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सर मोबाइल में आप क्या क्या सेवा दे सकते हैं पूरा ऑल राउंड? हाँ मोबाइल में क्या क्या चाहिए? हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जैसे फोन में प्रॉब्लम होता है, जैसे कैमरा नहीं काम कर रहा है, डिस्प्ले नहीं काम कर रहा था, जब ठीक करने वो हार्डवेयर में आता है। और जैसे सॉफ्टवेयर से हो गया कि लैगिंग कर रहा है, लैगिंग वगैरह हो गया, कम स्लो काम कर रहा है, वो सब सॉफ्टवेयर से। अच्छा, सॉफ्टवेयर से होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जैसे दोस्तों आप सभी अंतर जान चुके हैं। और दोस्तों मैं आपसे बता दूँ, अच्छा सर ओप्पो का लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा अभी चर्चित में है अभी मार्केट में और बहुत ज़्यादा लोग लेने के लिए सोच रहे हैं। एक सस्ता में भी आ जाता है और प्लस में उसका मतलब पब्लिक का कहना है कैमरा इसका बहुत ही बवाल आता है, कम पैसा में अच्छा फीचर मिल जाता है, इसी चलते ओप्पो का लेते हैं फ़ोन। और कैमरा भी मिल जाता है, प्रोसेसर भी बढ़िया मिल जाता है कम पैसा में, इसी चलते खरीदते हैं। कैमरा म्यूजिक है, इसी चलते लेते हैं ओप्पो का फोन। अच्छा, तो यूट्यूबर के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? यूट्यूबर के लिए हमें सलाह देना क्योंकि बढ़िया से बढ़िया फीडबैक हम लोग लिया कर दें और उनका भी व्यूअर कुछ बढ़िया बने। अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या क्या बोलना चाहते हैं आप? जो देख रहे हैं अभी गया वाले, जो गया वाले देख रहे हैं, इनका बेसी से बेसी सब्सक्राइब करें कि इनका भी फॉलोअर बढ़े और इस वीडियो का ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों ये रहे मित्र ऋषभ कुमार और ओप्पो सर्विस सेंटर का क्या समस्या है सारा कुछ बताने की कोशिश की। यहाँ पे भाई लोग देख सकते हैं सारा चीज है, सीट बैठने के लिए यहाँ पे भाई आप स्थिर कस्टमर आते हैं बैठते हैं भाई। यहाँ पे भाई एसी का भी मजा दे सकते हैं भाई, वहाँ पर फोकस करें यार। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी कस्टमर आते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे, अगर कोई भी कस्टमर सर यहाँ पढ़ने नहीं कोई भी कस्टमर आएगा तो भाई इंग्लिश में, हिंदी में, आप संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में पढ़ सकते हैं। तो बहुत तरह के यहाँ पे मैगजीन रखा हुआ है जो आज भी ताज़ा। और यहाँ पे दोस्तों आपसे मैं दिखा रहा हूँ सर्विस पॉलिसी, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वारंटी पीरियड में क्या क्या लिखा हुआ है, 12 मंथ्स फॉर डिवाइस, 12 मंथ्स फॉर बैटरी। बाकी यहाँ से आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे दोस्तों आप सभी को हम दिखाने की कोशिश करेंगे ओप्पो प्रीमियम सीरीज में क्या क्या है। न्यू मोबाइल आ रहा है, ओल्ड हो चुका है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ऑफर निकलते रहते हैं यहाँ पे सर लगा देते हैं, यानी कंपनी लगा देती है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों अगर आप वहाँ से आते हैं, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम है, आपको जैसा भी पानी पीना है, नॉर्मल पीना है, ठंडा पीना है, हॉट पीना है, सारी सुविधा यहाँ पे दिया गया है।
तो बहुत ही अच्छा सेवा दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा शांति माहौल है। ओप्पो सर्विस सेंटर के बारे में तो इसको हम बता दें, ये पैराडाइज रोड पे देख सकते हैं ओप्पो सर्विस सेंटर का, फिर मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ एक ब्लॉग वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ये सिनेमा हॉल देख सकते हैं, नोटिस कीजिएगा ये सिनेमा हॉल कौन सा है भाई, पैराडाइज के सामने है और पैराडाइज वाले ही रोड में ये ओप्पो का सर्विस सेंटर। दोस्तों आपको वीडियो जैसा भी लगे तो लाइक करके बताइए, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय।